हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नितिन टी एन एस ग्रीन में। मैं नितिन आज एक और जानकारी से भरे वीडियो के साथ, और आज ये वीडियो दूसरे वीडियो से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप वीडियो का टाइटल देखकर ही जान गए होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहूँगा। ये है मेरा यूट्यूब चैनल और मैं यहाँ पर हर तरह के वीडियो बनाता हूँ जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इसे आपकी हेल्प हुई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे ऐसे सारे नए वीडियो अपडेट्स के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मेडिसिन के एक्सपायरी डेट के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप गलती से किसी एक्सपायर्ड दवा को खा लेते हैं तो क्या होगा, और सब कुछ जो आपका जानना ज़रूरी है एक्सपायर्ड दवा के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दुनिया में जो भी चीज़ आई है या है, उसको एक दिन एक्सपायर होना ही है। दवा के साथ भी ऐसा ही है। आप जब भी कोई दवा खरीदते हो तो उसके पीछे या मेडिसिन के बॉक्स पे एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट होती है। अगर आप ये देखकर दवा लेते हैं तो सही है, और अगर नहीं तो ऐसा करने की आदत डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे पहले गलती यहीं से हो जाती है। तो हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही दवा लें। हर दवा की एक्सपायरी डेट प्रेजेंट टाइम से 2 से 3 साल के बाद होती है। एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, अगर किसी दवा का मैन्युफैक्चरिंग डेट 7वां महीना 2017 है और एक्सपायरी डेट 3रा महीना 2019 है, तो ऐसा नहीं है कि वो दवा 2019 के तीसरे महीने की फर्स्ट तारीख को ही एक्सपायर हो जाएगी, बल्कि आप उस दवा को तीसरे महीने की लास्ट डेट तक यूज कर सकते हो। अब दूसरी बात, काफ़ी लोग के मन में ये बात होती है कि दवा एक्सपायर होने के बाद जहर बन जाती है या उसे खाने से आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय बीतने के साथ साथ बस दवा का असर कम हो जाता है। किसी भी दवा पर एक एक्सपायरी डेट होने का मतलब है कि वह दवा सिर्फ दिए गए फिक्स्ड टाइम तक ही अपना काम करेगी या रोग के प्रति शरीर में असर दिखाएगी। एक्सपायर होने के बाद वह दवा अपने अंदर के तत्वों को खो देती है और उसका असर कम हो जाता है। पर ऐसा कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा कि एक्सपायर दवा बिल्कुल बेअसर हो जाती है, क्योंकि कुछ अमरीकी मानकों के लिहाज से अगर दवा को सही तरीके से स्टोर किया जाए या रखा जाए तो दवा के एक्सपायर होने का समय दवा के असली असर का कम से कम 90% जरूर रह जाता है। जाहिर है, दवा के एक्सपायर होने की तारीख इस बात पर इशारा नहीं करती है कि तय तारीख के बाद कोई दवा अचानक अपना असर खो देगी या जहरीली हो जाएगी। किसी भी दवा का असर जब यह बनकर तैयार होती है उसी समय से कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए दवा किसी खास अवधि के बाद बेकार नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो एक्सपायर होने के बाद बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसमें से जीवन रक्षक टीके, आई ड्रॉप्स, गर्भ निरोधक गोलियां और इंसुलिन जैसे दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ और सावधानियां। दवा का तभी इस्तेमाल करें जब दवा उसी रंग रूप में हो जैसा कि उसे असली रूप में होना चाहिए। टूटे हुए टेबलेट्स, रंग फीके हुए इंजेक्शंस और नर्म हो चुके कैप्सूल्स का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपने गलती से कभी कोई एक्सपायर दवा खा भी ली हो तो डरे नहीं, इसका कोई बुरा प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि दवा खाने के बाद आपके शरीर में कोई हानिकारक लक्षण दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन से भरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली को भी शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें मेरे वीडियोज़। सी यू अगेन।